क्या कहना चाहेंगे एक्साइज जी आप? मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इतनी क्या तकलीफ है इस्लाम के दीन से। तुम अपने मसले से अपने मसले से हल रखो, उसके बाद तकरीरें क्यों करती रहती हो तुम इतनी ज्यादा? तो मुझे ये तो बताओ ना जरा तुम। मुझे तकलीफ है कि औरतों पे जो नहीं जुल्म तुम, हो रहा है ना आपके हिसाब के उस पे, नहीं और छोटे छोटे बच्चों तुम कोई एनजीओ खोलो, कोई हमारी एक एनजीओ खोलो, कोई अपना कोई रोल अदा करो। इस्लाम को, इस्लाम के साथ तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ पहले पैसे बना लूँ हाँ ना, आप लोग गांड दिखा दिखा के पहले मैं पैसे कमाऊंगी जोड़ूंगी। तो ऐसे तुमने थोड़ी थी कोई लड़के पैसे नहीं होते, तो पहले मैं वो तुमने जो अपनी नंगे शक्ल मौलवी है उनको मैं अच्छी तरीके से उनके नंगी यार जिस्म एक्सवाई जी, दिखाऊंगी, अगर अगर तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है ना, तो मेरा भाई जरा अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत तो करो ना जरा। हैं, मुझे पता है कि उनको तुम्हारी शक्ल पे जितनी तुम्हारी तशरीफ पे लानत तो होगी उससे ज्यादा तुम्हारी शक्ल पे होगी। ठीक है, तो जरा थोड़ी हिम्मत करो ना रसूल अल्लाह के सिपाही, जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ मेरा भाई जरा। हैं, ठीक है, या वहां आपको अल्लाह की अपनी अम्मी जान बिठानी पड़ेंगी कि वो अपनी शक्ल दिखाएं और आप पीछे से बात करें। हैं, बताओ ना मेरा भाई कि क्या आपको ये लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपका मुंह नहीं अच्छा तो मौलवी की तरह अपनी तशरीफ दिखा लें, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। इतनी उल्टियां जो मौलवियों की देख देख के तशरीफें की हैं, आपकी भी हम दो उल्टियां कर लेंगे, कोई बात नहीं है यार, दिखा दो यार। ठीक है, ये तो आपकी जुर्रत है कि आप आके औरत को धमकाने की कोशिश कर रहे हो, है ये आपकी जुर्रत है यार? ठीक नहीं, है, हाँ खुद की बेटी साथ में, खुद की बेटी हाँ साथ में हाँ आपकी बेटी की शादी बात करोगे 55 साल के आदमी से? आपकी बेटी अगर भाई 9 साल की है, जो हजरत मोहम्मद थी, तुम फिर करो आप नकल, उन्होंने भी 9 साल की लड़की से आपकी जो बेटी की आवाज आ रही है, अबे अबे और सुन, आपने तेरी कहा बेटी, तकलीफ तेरी है बेटी, तू मैं बताता हूँ किसकी बेटी की तो बात है। तू सुन मेरी बात, तू इतना माइती ना बन अपने किसी का, तू अपने आप के ना अपने औकात में रह, समझ लग गए कि नहीं? ये तुम आप लोग किसी के हजरत दीन मोहम्मद के से किस ठेकेदार नहीं हो, इंसाफ की समझ बात में कर लग रहे गए हैं कि नहीं? ये तुम आप लोग ने ना अखलाक अपनी की इज्जत औकात में और हो, इंसाना नाम तुम्हारे तुम रसूल और लोग ना, इज्जत नहीं लगते, इनको बोला तुम ताकि लोग ना इनकी अपनी हैसियत दिखाई औकात पाए। में रहो। हाँ आप अपनी पूरी बात तुम सुनिए दीन की ठेकेदार ना बनो, तुम इतनी दीन की ठेकेदार ना बनो, समझ यार, लग गई दीन कि आप नहीं? भी बता हाँ सके तो हाँ है ना, और आप हाँ भी तशरीफ लेते हैं। तुम मैं इतनी क्या माइती बोलूं आई औरतों की। क्या हाँ बोलूं तुम नहीं दीन बोलूं, कितनी तुम माइती ना मेरे बनो। भाई को सुसुर लगते ओ हो, तुम अबे मेरे भाई लगते किसी हो, के तो दीन आप को नहीं लोग बोलते, मेरे भाई को अबे कैसे किसी के दीन को नहीं बोलूं? बोलते, समझ लग गया कि यार तुम तो चार खुद तो दीवार है, बेदीन मुसीबत हो, है तो बोलूं खुद क्यों तो ना तुम रहो। लोग बेदीन हो, खुद तो तुम लोग बेदीन हो। तुम्हारे गट्टों में हिम्मत है तो तुम शक्ल दिखाओ ना, मैं लड़की होके यहाँ पे शक्ल और दिखा रही अगर हजरत मोहम्मद से इतना प्यार करते हो आप, अगर आप अल्लाह के वाकई मानने वाले हो, शक्ल दिखा दो भाई, हम तो नहीं मानते, हम तो डरते हैं, शक्ल दिखाओ ना भाईजान। डरता है, चल लो निकल ये यहाँ से, तो अल्लाह के मानने वाले बड़े डरपोक हैं यार। यार ये अल्लाह और मोहम्मद के मानने वाले इतने डरपोक कैसे हैं यार? ओ हो यार, ये कैसा इश्क है? ओ हो म्यूट करके तो बात कर रहा है यानी आ गए वापस, आ गई है, शक्ल दिखा के बात करनी है, मगर फिर भाग गया, क्या हो रहा है उसका तो इंटरनेट, और भाई चोरी का भाई, इंटरनेट लगाया हुआ है तूने, तो मुझे लग रहा है इसकी मम्मी पीछे से आ गई होंगी कि ये क्या कर रहे हो, तो डर डर के बात कर रहा है उससे। ये अच्छा कोई सहलियन और है से यहाँ? तकलीफ क्यों? अजीजुर रहमान से हमें तकलीफ है ना भाई, आपके मदरसे में बच्चों का रेप हो रहा है, तकलीफ है। जी आ गए अबे वापस, आ दीन गए के ठेकेदार बने पड़े हो तुम लोग, हैं दीन के भाई, आप ठेकेदार हम दीन बने के पड़े हो। ठेकेदार नहीं है अरे भाई, जाओ हम किसी के तो दीन को आप बात दीन के करो, तुम ठेकेदार लड़के की हो तुम लोग। डेफिनेशन देखो भाई, अजीज रहमान है दीन का ठेकेदार, अबे उसके लेकिन मार वो उसके तो साथ बच्चों हैं, का तुम्हें रेप क्या करता पता? है। आपके डैडी अजीज रहमान जो जो है वो दीन के असली ठेकेदार जो है, हम नहीं वो है भाई, आपकी हम माँ मान का है, ठोकू है, हमने लड़की बच्चा दीन, तुम्हारी उसकी माँ माँ का का ठोकू है, ठोकू वो है हराम जो, दादू, ये तेरी बात माँ हमें का नहीं ठोकू पता है कि बहन अजीज, चो। आप आपके और कान भी कभी खराब है, आप तेरे बताओ दिमाग के कि साथ, रसूल के मानने तेरे वाले दिमाग कैसे के साथ काफिर तेरे कान भी हुए? खराब है। आपके हाँ रसूल का उम्मती सुन्नती है, ठीक है, ठीक है, वो आपके रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहा था। अब म्यूट होके ना सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, So, we are all together in this mix, and it's not me, Ghalib, or us, you're all together. So, we all are different. मैं गालियों में एक्सपर्ट हूँ, गालिब हिस्ट्री में एक्सपर्ट है, भाई मैं इनकी गाने ठोकने में एक्सपर्ट हूँ। गांडू साहब, आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाएंगे? आप ये बताइए, आपके टट्टों में तकलीफ हो रही है इस वक्त, आप शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? फिर भाग गए, लो जब मैं इसको गांडू ये कुछ बोलती हूँ, दहशत चेक करो, फौरन भाग जाता है, क्या है भाई, गालिब उनसे ऐसे पूछो दहशत अपनी में बेटी की वो शादी करेंगे 55 साल के आदमी से, जो बेचारी मासूम बच्ची की आवाज आ रही थी। ये बोल रहे हैं ना, देखो ये लोग कहते हैं कि भाई जो गंदे काम करेगा वो जहन्नुम में जाएगा, तो मैं इनकी जन्नत जो है खराब करना चाहती हूँ। देखो गाइस, ये जन्नत के अरे दरवाजे मोमिनो,
आओ मेरे दोजक में, आज जाओ तुम लोगों को मैं अपने साथ दोजक में लेके जाऊंगी, वहां बड़ा मजा है। जन्नत में जाके क्या करोगे तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। तुम सब लोग लकीर के फकीर हो, तुम लोग सब दोजक में जाओगे। अब ये एक्स वाई जी मोहम्मद को गाली देंगे रसूल अल्लाह को, रसूल अल्लाह को मोहम्मद एम की गालियां देके गया ये बंदा, देखो आप। अभी आए नहीं वापस, वो पता नहीं कहाँ है ये। वैसे मुस्लिम वर्सेस एथियस है, आपको हमसे प्यार हो गया सारा दिन आपने मेरे यहाँ पर, पता है इतना टाइम हमारे साथ गुजारोगे ना तो आप एथियस ही बन जाओगे। वो कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, आप बैठे रहोगे ना हमारी सोहबत में, आप भी हमारे ऐसे हो जाओगे। ईमान की डेफिनेशन क्या है? अरबी पढ़ने लग गए भाई, तो यही तो अरबी पढ़ पढ़ के आपके दिमाग में भूसा भर गया भाई। ईमान की डेफिनेशन के बजाय अरबी पढ़ने लग गए भाई। इन्होंने वो खुद ही बोल रहे थे कि इन्होंने नहीं पढ़ा क्या कहते हैं कुरान को तर्जुमे के साथ, नहीं पढ़ा है। जब तक आपने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है तो आपको क्या पता पढ़ क्या रहे हो, क्या पता आपकी लैंग्वेज तो है नहीं अरबिक, आपकी तो लैंग्वेज है उर्दू, तो हाउ डू यू थिंक यू नो एवरीथिंग, आपको कैसे पता? हराम काम मत करो, आई लव हराम, हम है ही हरामी। देखो हराम का खाते हैं, मौलवियों की गांडे बेच बेच के हराम का खा रहे हैं, हलाल हो जाते हैं। जब मौलवियों की गांडे बेचते हैं ना तो हलाल हो जाता है वो एक्चुअली। महलीज ने होलसेल, महलीज ने थोक का काम शुरू किया मौलवियों की तशरीफों का, होलसेल डीलर। हम तो थोड़ा थोड़ा कोई एक आधा मौलवी डिस्कस करते हैं ना। मैंने तो सीरीज बनाई, मैं तो छोड़ना नहीं इनको जब तक रोजाना एक वीडियो आ रही है। वैसे ये तशरीफ कितना अच्छा वर्ड है ना, हम लोग कहते हैं आइए तशरीफ रखिए। इमेजिन करो मैं कहूंगी नेक्स्ट टाइम कोई गेस्ट आएगा ना, आइए आइए जी अपनी गांड यहाँ पे रखिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक आई विल बी यूजिंग दैट वर्ड। अच्छा कोई और नहीं है यहाँ पर मोमेंट?